हम जैसे ही स्टार्ट किया था तो मेरा मसल फ्रंट थाइस और इनर थाई क्रेम होने लग गया था। उसका वजह से वॉकिंग भी नहीं हो रहा था, वार्मिंग अप भी नहीं कर पाया था मैंने। उसने तो बहुत अच्छा वार्मिंग अप चल रहा था और क्लीन एंड जर्क में हम जैसे ही स्टार्ट किया था तो मेरा मसल फ्रंट थाइस और इनर थाई क्रेम होने लग गया था। उसका वजह से वॉकिंग भी नहीं हो रहा था, वार्मिंग अप भी नहीं कर पाया था मैंने। और वार्मिंग अप में भी मैंने 140 तक मुश्किल से किया था मैंने। कोसाब को बोला कि कोसाब सीधा स्टेज में चला जाऊँ, थोड़ा कम कर दो। कोसाब ने कम करके ही कराया है। परफॉर्मेंस में इतना खुश नहीं क्योंकि बहुत मतलब एक्सपेक्ट था कि इस बार मैं अच्छा करूँगा क्योंकि मेरा लास्ट कंपटीशन है 67 में। लेकिन ठीक है 300 भी, हाँ ठीक है, गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए लेके आया 300 ने।